कहानी भी इसराइल रा गुलाम बनाई के ले जाना और वापस आना। इसराइल और यहूदा रे राज्य च सभी ने परमेश्वर के खिलाफ पाप कित्या। तीने तिसा वादे जो तोड़ता जो परमेश्वर ने तिना कने सीने पर्वता पर कित्या था। परमेश्वर ने तिना जो पाप ना करने और दोबारा परमेश्वर पर विश्वास करने खतर तिना गे अपना भविष्य वक्ता भेजा, पर तिना लोका ने तिना री बात मानने जो ना करी थी। परमेश्वर ने तब तिना जो सबक सिखाने खतर तिना रे दुश्मना जो भेजा अशुर, जो दूजा राज्य था और बहुत शक्तिशाली था। से दूजे राज्य खतर बहुत बुरे थे। तिने इसराइला जो खत्म करी था। अशुरिया ने तिना रे बहुत लोग मारी थे और लूटीला और तिना रे कई गाँव जो फूकी था। अशुरिया ने तिना रे सारे बड़े प्रधान जो पैसे वाले थे, कारीगर थे, तिना सब भी जो इकट्ठा करी के अपने देशा च ले गए। इसराइला च अब थोड़े जे गरीब लोग थे। असूरी लोगों ने इसराइला च रहने खतर बारले लोगों जो लगाया। तिना लोगों ने दोबारा 30 नगरा जो बनाया जो थोड़े इसराइली तिथि बचे थे। तिने तिना कने ब्याह किया। इन्हों लोगों रे कुला रा नाम सामरी पड़िया। यहूदा राज्य रे लोगों ने देखा कि परमेश्वर की बात ना मनने और तिस पर विश्वास ना करने पर इसराइला जो किया दंड दित्या। पर तिते बाद भी तिने कनानिया रे देवता री मूर्तिया री पूजा की। परमेश्वर ने तिना जो दोबारा समझाने खातर भविष्यवक्ता भेजे, पर तिने बात सुनने ते ना करी थी। तकरीबन 100 साल बाद अशुरियों ने इसराइला जो खत्म करी था। परमेश्वर ने बेबीलोना रे राजा नबूकदनेजर जो यहूदा पर हमला करने खातर भेजा। बेबीलोन एक बलवान राज्य था। यहूदा रा राजा नबूकदनेजर गुलाम बनाने खातर और तिसो हर साल लगाम देने जो तैयार हो गया। पर कुछ साल बाद यहूदा रे राजा ने बेबीलोना रे खतर लड़ने री सोची। तब तिने वापस आई के यहूदा रे राज्य पर चढ़ाई करी थी। तिने यरूशलेमा पर अपना हक जमाइला और मंदिरा जो तोड़ीता और सारे शहर मंदिरा रा खजाना लूटीला। बगावत करने रे खतर यहूदा ने राजा जो दंड देने जो नबूकदनेजर रे सैनिका ने राजा रे बेटे जो तीसरे सामने मारीता और अंधा करीता। इत्ते बाद से राजा जो बेबीलोना री जेल च मारने जो ले गए। नबूकदनेसर और तीसरी सेना यहूदा रे सारे लोका जो बेबीलोन ले गई। कुछ गरीब लोका जो छड़ी के इत्ते खतर बैसे बागटिया च ना जुगाओ। इस समय जो बंधुआई बोलिया गया से वादे रा देश जो परमेश्वरा ने लोका जो रहने खतर दित्या था। परमेश्वरा ने अपने लोका जो गुलाम बनाई के तिना जो पाप करने रा दंड दित्या। तब भी अपने भविष्य वक्ता जो भेजी गए तिना रा ख्याल रख्या। तिने वादा कित्या बई से 70 साल बाद अपने देशा च दोबारा वापस आवने। 70 साल बाद फारसा रे राजा कुस्तरू ने बेबीलोना जो हराया। इत्ते खतर फारसा रे राज्या ने कई देशा पर राज कित्या। इसराइली लोका जो अब यहूदी बोला थे तिना में ते कई लोका ने अपनी सारी जिंदगी बेबीलोना च बिताई। कुछ बूढ़े लोका जो ही अब यहूदा रा देश याद था। फारसी लोग बहुत शक्तिशाली थे। तिने अपने गुलामा पर दया की। फारसी लोग करा राजा बनने ते कुछ समय बाद कुसरियों ने बोलिया भई जे कोई यहूदी अपने देशा जो जाना चाह से फारसा ते अपने देशा जाई सका। तिने यहूदा जो मंदिर बनाने जो पैसा भी दित्या। अब 70 साल बाद तब यहूदिया रे कुछ लोग यरूशलेमा जो आए गए। जब से लोग यरूशलेमा च आए तब तिने मंदिर और नगरा रे चारों तरफ रे द्वाला बनाई। फारसी लोग अब भी तिना पर राज करां थे, पर अब से वादे रे देशच थे और मंदिरा च आराधना करां थे।